मदर्स डे पर एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप अभी हैरान हो जाएंगे। जब सास ने अपनी बहू को किडनी देकर बचाई जान, तो लोग कहने लगे ये सास नहीं बल्कि सगी माँ है। जी हाँ, आज मदर्स डे पर एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो देखने से पहले शेयर कर दीजिए और ये वीडियो हर उस सास और बहू के पास जाना चाहिए जिनके रिश्ते में 36 के आंकड़े होते हैं। सासू माँ हो तो ऐसी, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही बहू को 65 वर्ष की सासू माँ ने किडनी डोनेट कर बचाई जान। लोग कहते हैं सगी माँ से भी बढ़कर निकली ससुराल वाली माँ। मदर्स डे है आज, हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो एक मिसाल के तौर पर है। ये कहानी है एक सासू माँ और बहू की। 65 वर्ष की उम्र की सासू माँ यहाँ उस किरदार में है जो एक सगी माँ के लिए भी करना मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं बिहार के गया जिले के सासू माँ और बहू के बीच ऐसे प्रेम की डोर की जिसने बहू को बेटी और सासू माँ को माँ के रूप में साकार कर रखा था। यही वजह रही कि जब बहू अचानक बीमार पड़ी और पता चला कि उसकी दोनों किडनी फेल है, तो अपनी बेटी जैसी बहू को बचाने के लिए सासू मां ने 65 वर्ष की उम्र में अपनी किडनी देने के लिए आगे आ गई। इतना ही नहीं, जिद कर सासू मां ने एक किडनी डोनेट भी कर दिया। इसके बाद आज बीमार बहू स्वस्थ जिंदगी अपने परिवार के साथ बिता रही है। यूं तो सास और बहू के रिश्ते को ज्यादातर लोग झगड़ालू नजरिए से जानते हैं, लेकिन बिहार के गया में एक ऐसी सासू मां जो अपनी बहू के लिए उसकी सगी मां से भी बढ़कर निकली। सासू मां ने जो किया वो एक मिसाल के तौर पर है। यदि कोई सगी माँ भी होती तो शायद ऐसा करने से पहले 100 बार जरूर सोचती, लेकिन सासू माँ ने बगैर सोचे अपनी बहू के लिए वो किया जो उसके जीवन के लिए वरदान के समान थी। एक माँ अपनी बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखा सकती है, लेकिन ससुराल वाली सासू माँ ने अपनी बहू को सगी बेटी के रूप में देखा और 65 की उम्र में एक किडनी देकर जीवन और मौत के बीच भी झूल रही बहू की जान बचाने के लिए आगे आ गई। सास और बहू के बीच निश्चल प्रेम की यह डोर आज चर्चा का विषय बना है और एक बड़ा मिसाल के तौर पर भी सामने आया है। गया जिले के अत्री प्रखंड के टेटुआ पंचायत अंतर्गत श्रीयामा की रहने वाली अनु देवी अचानक बीमार पड़ गई थी। उसे खाना नहीं पचता था, हाथ एवं पैर में सूजन आ जाती थी। पति राजेश कुमार ने इलाज कराना शुरू किया। इसी क्रम में गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए गए तो वहां पता चला कि किडनी में प्रॉब्लम है। इसके बाद पटना इलाज के लिए चले गए जहां अनु देवी का इलाज चलता रहा। इसी बीच बेहतर उपचार के लिए चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया। किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही अनु देवी डायलिसिस पर रही। इसी बीच डॉक्टर ने उसके दोनों किडनी फेल होने की बात कही। अनु की दोनों किडनी फेल होने के बाद सामने आते ही परिजनों में हड़कंप मच गया, लोग रोने लगे। मध्यम वर्गीय इस परिवार के लिए इस मुसीबत के बीच अनु देवी की जान बचाने की एक बड़ी चुनौती सामने आ गई। दोनों किडनी फेल होने की बात डॉक्टर द्वारा कहे जाने के बाद परिजनों में जहां हड़कंप था, वहीं डॉक्टर ने कहा कि एक किडनी प्रत्यारोपण करना होगा, तभी अनु देवी की जान बचाई जा सकती है। वहीं यह जानकारी जब अनु की सासू मां मालती देवी को हुई, तो अपनी बहू की जान बचाने की ममता जाग उठी। मालती देवी ने बड़ा निर्णय लिया था। यह एक सासू मां के लिए सगी बेटी जैसी बहू अनु को हर हाल में जान बचाने का निर्णय था। मालती देवी ने कहा कि वह अपनी एक किडनी डोनेट करेगी। पहले तो परिवार के लोगों ने मालती देवी को रोका, फिर उम्र का हवाला दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वह नहीं रुकी। वह अपनी एक किडनी देने को अड़ी थी। आखिरकार परिवार के लोग माने तो डॉक्टर जांच के बाद मालती देवी की एक किडनी बहू अनु को प्रत्यारोपित की गई। मध्यम वर्गीय इस परिवार के लिए अनु का इलाज कराना जहां मुश्किल हो रहा था, लेकिन सासू मां अपनी बहू के लिए सगी मां से भी बढ़कर निकली और अपनी एक किडनी डोनेट करके अनु की जान बचा ली। आज पूरा परिवार खुशहाल है। अनु और मालती देवी दोनों ही पूरी तरह से स्वस्थ है। बहू अनु देवी जहां अपनी सासू मां को सगी मां के नजरिए से मानती है, वहीं अनु देवी के पति राजेश कुमार को भी अपनी मां पर गर्व है। उसने अपनी बहू को बेटी से भी बढ़कर माना और उसकी जान बचाई, आने वाली बड़ी मुसीबत और मुश्किलों से भी बचा लिया। अब अनु देवी अपने पति राजेश कुमार, 12 वर्षीय पुत्र हर्ष और 6 वर्षीय पुत्री हर्षिता के साथ पूरी तरह से खुशहाल है। अनु अपने पति और पुत्र पुत्री के साथ फिलहाल गया शहर में रह रही है। वहीं सासू मां मालती देवी अपने पैतृक गांव अत्री के श्रीयामा में परिवार के साथ खुशहाल है। सास बहू के बीच मां बेटी की वह डोर बन चुकी है जो एक मिसाल के तौर पर उभरा है। वीडियो देखने के बाद कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहती हूं कि मेरी बहू को दोनों किडनी खराब हो गया, तो उसके बच्चा के लिए, परिवार के लिए, अपने खुशी के लिए मैं एक कदम उठाया। सब सास है अपने बहू के साथ है, माँ की तरह रहे, और जितने भी सास हैं अपने बहू के साथ बेटी नियन प्रेम बनाते रहे।